नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 23 मई को नतीजों से पहले विपक्ष ने ईवीएम को एक बार फिर बड़ा मुद्दा बना लिया है। आज विपक्ष के 19 दलों के नेताओं ने बैठक करके ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है। चंद्रबाबू नायडू समेत विपक्ष के कई नेता आज शाम धरने पर भी बैठ सकते हैं। चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने यूपी के गाजीपुर और चंदौली में ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत को गलत बताया। आज चुनाव आयोग ने ईवीएम से गड़बड़ी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। चुनाव आयोग ने कहा, स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विपक्ष ने वीवीपैट और ईवीएम को लेकर छेड़छाड़ और गड़बड़ी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग की सफाई, ईवीएम और वीवीपैट को सही तरीके से सील किया गया। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि सभी ईवीएम और वीवीपैट को सही तरीके से सील किया गया है। आयोग ने यूपी के गाजीपुर और चंदौली में ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत को भी बेबुनियाद बताया। चुनाव आयोग के मुताबिक स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की 100% मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए, ईवीएम का कोई हमले का विषय नहीं है। कांग्रेस तो ये सोच रही है कि हार का ठीकरा हमारे राहुल गांधी जी पे नहीं फूटे, इसके लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। ऊपर सवाल बिल्कुल भी कर रहा है ये बोगस है। ईवीएम पर सवाल बोगस है। ईवीएम के आने के बाद ही चुनाव में ट्रांसपेरेंसी आई है और ईवीएम को क्या कोई क्या डिस्टर्ब करे, ये बात भी समझ में नहीं आती। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज डिनर डिप्लोमेसी से नई सरकार को लेकर रणनीति बनाएंगे। अमित शाह डिनर डिप्लोमेसी से एनडीए के सभी दलों को साधने की कोशिश करेंगे। इस बैठक में नीतीश कुमार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल होने जा रहे हैं। सरकार बनाने को लेकर आज एनडीए के दल मंथन करेंगे। दिल्ली में अमित शाह ने एनडीए के नेताओं को डिनर पर बुलाया। आज शाम 4 बजे मोदी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात। पीएम मोदी और अमित शाह दिल्ली में मौजूद सभी मंत्रियों से मिलेंगे। चुनाव के नतीजों से पहले सरकार बनाने को लेकर रणनीति तय होगी। डिनर डिप्लोमेसी से एनडीए के साथियों को साधेंगे अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज दिल्ली में एनडीए के नेताओं के साथ डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सरकार बनाने को लेकर रणनीति तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भी डिनर में शामिल होने की आशंका है। एनडीए की डिनर डिप्लोमेसी से पहले पीएम मोदी और अमित शाह दिल्ली में मौजूद सभी मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बहुमत से दूर एनडीए ने जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। चुनाव के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है कि राजनीतिक पार्टियां अपने सहयोगी दलों के साथ बैठती हैं और ये एनडीए के लिए कोई नई बात नहीं है। देखिए, भोज है तो भोज में तो खाना ही होगा ना, और जब खाना होता है तो स्वाभाविक रूप से बातचीत होती है। लोग एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, कैसा कैसा क्या रहा, सब चीज चर्चा होती है। विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का चुनाव आयोग जवाब दे चुका है, चिंताओं को दूर कर चुका है, लेकिन विपक्ष है कि ईवीएम को लेकर किसी बात से सहमत नहीं। 23 मई को नतीजों से पहले विपक्ष ने ईवीएम पर फिर सवाल उठाए। दिल्ली में 19 विपक्षी दलों ने ईवीएम के मुद्दे पर बैठक की। आज विपक्षी दलों ने ईवीएम के मामले पर चुनाव आयोग से मुलाकात की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। विपक्षी दलों का सरकार पर ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी करने का आरोप है। विपक्ष की मांग, 50% वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान होना चाहिए। ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर 19 विपक्षी दलों ने बैठक करके एकजुटता दिखाई है। बैठक में गुलाम नबी आजाद,
चंद्रबाबू नायडू, प्रफुल्ल पटेल, रामगोपाल यादव और डेरेक ओब्रायन जैसे बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में रणनीति के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। विपक्ष ने ईवीएम और वीवीपैट में छेड़छाड़ और गड़बड़ी का आरोप लगाकर शिकायत की। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उधर बीजेपी ने कहा है कि विपक्ष जानबूझकर हार के बहाने ढूंढ रहा है। अनावश्यक तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो उनकी हताशा है। वो अपने हारने का बहाना ढूंढ रहे हैं। इसी ईवीएम से जब कांग्रेस पार्टी जीते राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो ईवीएम ठीक है। इसी ईवीएम से जब ममता जी बने दो दो बार मुख्यमंत्री, अमरिंदर सिंह बने पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो ईवीएम ठीक है। ये वो ईवीएम है जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी केंद्र में 10 साल सरकार में रही। इसी ईवीएम ने जो है वो चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसी ईवीएम के चुनाव ने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसी ईवीएम से हुए चुनाव में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। इसी ईवीएम के चुनाव से अपने अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने। अभी इसी ईवीएम का चुनाव जो हुआ उसमें 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, तब ईवीएम ठीक थी। अभी जब आपको जमीन का एहसास हो गया है तो ईवीएम खराब हो गई। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग से मुलाकात उनकी थी और चुनाव आयोग से मिलने के बाद वो अब बाहर निकले हैं। इससे पहले 19 विपक्षी दलों ने बैठक की थी एक साथ और किस तरह से ईवीएम पर सवाल उठाए थे ये हमने आपको बताया था। अब चुनाव आयोग के दफ्तर वो पहुंचे थे चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए। ईवीएम को लेकर जो चिंताएं विपक्ष के नेताओं के मन में हैं उनका वो समाधान चाहते हैं और इसी के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर चुनाव आयोग से उनकी मुलाकात का ये कार्यक्रम। लोकसभा के नतीजों से पहले कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे हैं। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा दिए। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। कर्नाटक कांग्रेस के नेता रोशन बेग के बागी सुर वेणुगोपाल सिद्धारमैया पर आरोप लगाए। रोशन बेग ने कहा कर्नाटक में बीजेपी 18 सीट जीती तो सिद्धारमैया होंगे जिम्मेदार। आज कार्यकर्ताओं को प्रियंका गांधी वाड्रा का संदेश, एग्जिट पोल और अफवाहों से हिम्मत ना हारें। ऑडियो मैसेज भेजकर प्रियंका की अपील, स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर पर चौंकाना रहें। ज्यादातर एग्जिट पोल में केंद्र में एनडीए की दोबारा सरकार बनाने के संकेत हैं। शिवसेना ने की राहुल प्रियंका की तारीफ, कहा दोनों ने खूब मेहनत की। चुनाव नतीजों से पहले ही कर्नाटक कांग्रेस में बागी सुर सामने आने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन बेग ने वेणुगोपाल को जोकर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडू को फ्लॉप बताया है। अध्यक्ष जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो दिनेश गुंडू राव है, ये तो बहुत बड़ा फ्लॉप शो है। ये देखिए अब यहाँ कहीं एक माइनॉरिटी लीडर की आप दिखाई देता है, आपको 90% माइनॉरिटी लीडर्स के माइनॉरिटीज को वोट चाहिए। जब आप पब्लिसिटी में किसी को साथ नहीं रह सकते टू स्पीक लाइक दिस इन पब्लिक, आई थिंक इट जस्ट शोज यू नो कंप्लीट लैक ऑफ कल्चर। और ज्यादा बोलना कोई ठीक नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस को भी ठीक सीटें जो हम अंदाजा किए थे वो आने की उम्मीद है। वहीं एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार्यकर्ताओं के लिए एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को अफवाहों पर ध्यान न देने और 23 मई को मतगणना से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अफवाहों और एग्जिट पोल से हिम्मत मत हारिए, ये आपका हौसला तोड़ने के लिए फैलाई जा रही हैं। इस बीच आपकी सावधानी और भी महत्वपूर्ण बनती है। स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर में डटे रहिए और चौकन्ने रहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी मेहनत और आपकी मेहनत फल लाएगी। ...2019 में सत्ता हासिल करने के लिए गठबंधन बनाने को लेकर विपक्षी नेता सक्रिय हैं और सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने जगन मोहन रेड्डी को फोन किया, वहीं बीजेडी ने एनडीए के लिए नरम रुख दिखाया। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद गठबंधन पर जोर, शरद पवार की वाईएसआर कांग्रेस से बात।
सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के लिए पवार को जगनमोहन रेड्डी से ठोस आश्वासन नहीं। आज रामवीर उपाध्याय बीएसपी से निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। एनडीए पर बीजेपी का नरम रुख, ओडिशा को विशेष दर्जा देने वाले के साथ। बूथ कैप्चरिंग की शिकायत के बाद कोलकाता के बूथ पर 22 मई को फिर मतदान। कूच बिहार में टीएमसी बीजेपी समर्थक भिड़े, बीजेपी के 5 कार्यकर्ता घायल हुए। चंद्रबाबू केसीआर के बाद अब गठबंधन को लेकर शरद पवार सक्रिय हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने आज यूपीए की ओर से वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की है। हालांकि पवार को वाईएसआर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। वहीं बीजेडी ने एनडीए से नरमी दिखाते हुए कहा है कि वो ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली पार्टी का साथ देगी। उधर बूथ कैप्चरिंग की शिकायतों के बाद कोलकाता के पोलिंग स्टेशन नंबर 200 पर 22 मई को फिर मतदान होगा। और चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद विपक्ष के नेता इस वक्त क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर जो शिकायतें थी वो दर्ज करवाई गई हैं। आज 22 राजनीतिक दलों की मीटिंग हुई 1:30 बजे और उस मीटिंग में तकरीबन देश का जो 75% वोट है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं और 1.5 घंटा मीटिंग हुई और सभी राजनीतिक दलों ने मीटिंग में बताया अपने अपने प्रांतों में कि किस तरह से ईवीएम की कुछ मशीनें कई गाड़ियों में आ रही हैं, जा रही हैं, स्ट्रांग रूम के आसपास में जा रही हैं, प्राइवेट गाड़ियों में आ रही हैं और सभी राजनीतिक दलों ने बताया कि इलेक्शन के वक्त भी कई ईवीएम मशीनें खराब थी और कई ईवीएम मशीन्स पे जब एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार का बटन दबाते थे तो दूसरी पार्टी का विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चला जाता था। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके कमीशनर से सामने रखी। तो हमने पिछले 3-4 साल शिकायतें मिलती हैं, उनको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में और उसके बाद भी जनता में उठाया है और कई दफा हम कमीशन से मिले हैं सभी राजनीतिक दल। आज हमने दो तीन चीजें मोटी बताई कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुमति दी है कि हर विधानसभा में रैंडम 5 ईवीएम की मशीनों के जो वीवीपैट हैं स्लिपें वो गिननी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में उसमें निकाला है जो ऑर्डर उसमें कहा है कि पहली काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट गिने जाए। हम लोगों ने कहा 22 राजनीतिक दलों ने नहीं, आप पहले तो वो जो 5 एक विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन की जो 5 मशीनें गिनोगे वो सबसे पहले गिनो, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी तो फिर आप उस पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए वरना बाद में कोई फायदा नहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ी बात मांग है कि जिस एक तो पहले गिननी चाहिए वीवीपैट और उसके बाद दूसरे गिनने चाहे, दूसरा अगर उन पांच पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ पाया गया, डिस्क्रिमिनेंसी पाई गई तो पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए। एक में भी अगर पोलिंग स्टेशन में भी एक मशीन में भी अगर गड़बड़ निकला तो पूरी विधानसभा के वोट दोबारा से गिनने चाहिए। 22 राजनीतिक दलों के नेताओं ने मुलाकात की है चुनाव आयोग से, ईवीएम को लेकर जो चिंताएं उनके मन में थी वो शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है, बता रहे थे कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद। हम फौरन हाजिर होंगे, बन रही हमारे। चुनाव खत्म होने के बाद जनता की जेब पर बोझ बढ़ गया है, अमूल दूध के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए।
अमूल का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में दूध और तेल की नई कीमतें लागू। आज से पेट्रोल 5 पैसे जबकि डीजल 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। अमूल के बाद वडोदरा के डेयरी शक्ति ने भी दूध की कीमत बढ़ाई। अमूल के मुताबिक उत्पादन की कमी की वजह से कीमतें बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। चुनाव खत्म होते ही महंगाई का असर दिखने लगा है। आज से अमूल का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। कंपनी ने इसके लिए उत्पादन में कमी को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कहा कि 2 साल से दूध की कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी। इस बीच कई दूसरी कंपनियों ने भी दूध के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी तेजी जारी है। आज पेट्रोल 5 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 9 पैसे का इजाफा हुआ। गर्मी के मारे इनका पसीना रुक ही नहीं रहा है।